गुमनाम हुआ ये दिल आशिकाना है का ये एक्टर चॉकलेटी बॉय कहे जाने वाले करण अब दिखते हैं ऐसे। बॉलीवुड में आज ऐसे कई स्टार्स हैं जो अपनी पहचान बना चुके हैं, लेकिन ऐसे कई स्टार्स भी हैं जो वक्त के साथ ना जाने कहां चले गए हैं। इन्हीं में से एक नाम आता है करण नाथ। जी हाँ, आपको ये नाम शायद ही याद हो, लेकिन जब हम आपको इस नाम की हकीकत बताएंगे तो शायद आप इस नाम को और चेहरे को पहचान जाएं। हम उन्हीं करण की बात कर रहे हैं जिन्होंने अपने चॉकलेटी लुक से सबका दिल जीता। करण नाथ को आपने फिल्म ये दिल आशिकाना में देखा होगा। इसी फिल्म से करण ने पहचान बनाई थी। 90 के दशक में कई स्टार्स थे जो अपने स्मार्ट अनेस और चॉकलेटी लुक्स के चलते सुर्खियों में रहे थे। इन्हीं के बीच में करण ने अपनी पहचान बनाई, लेकिन अफसोस करण अपनी पहली फिल्म के साथ ही गुमनाम हो गए। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर कौन है करण नाथ। करण नाथ बॉलीवुड के कई स्टार्स के मैनेजर रह चुके राकेश नाथ के बेटे हैं। राकेश नाथ माधुरी दीक्षित के मैनेजर रहे हैं। राकेश नाथ ने अपने बेटे को हीरो बनाने का सपना देखा था और वो सच भी हुआ था। करण ने फिल्म ये दिल आशिकाना से साल 2002 में डेब्यू किया था। इस फिल्म से करण को खूब पहचान मिली। फिल्म के गाने ब्लॉकबस्टर रहे, लेकिन इस फिल्म ने करण के करियर को ब्लॉकबस्टर नहीं बना पाया। करण नाथ सिर्फ एक कामयाब फिल्म का वंडर साबित होकर रह गए। करण की 2002 के बाद रिलीज फिल्में बॉक्स ऑफिस पर ऑन दे मोह गिरती चली गई। शी, एलओसी कारगिल, तुम, जबरदस्त, कायनात, तेरा क्या होगा जॉनी जैसी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर नहीं चली और फ्लॉप हो गई। इन फिल्मों से करण के करियर को कोई खास उड़ान मिली। आखिरकार करण गुमनाम एक्टर्स की लिस्ट में चले गए। करण ने चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर मिस्टर इंडिया में भी काम किया है। इसके अलावा बीते सालों में ही रिलीज हुई आदित्य रॉय कपूर और श्रद्धा कपूर की फिल्म ओके जानू में भी करण नजर आए, लेकिन इस फिल्म में भी करण कब आए और चले गए ये किसी को पता नहीं चला। खैर, अब इन दिनों करण दोबारा से अपना करियर बनाने में लगे हुए हैं।